राजनीति कब्र जब तक मोदी जी की नहीं खुदेगी, अब दो ही रह सकते हैं, या तो देश स्वस्थ रहे, विकसित रहे, कमनल हाथ पानी रहे, तो मोदी जी की राजनीतिक कब्र खोदना बहुत जरूरी है। कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, तो राजनीतिक भाषा है। और जब मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो एक मतलब है कि कांग्रेस को क्या मार देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, उसके ऑफिसेस खत्म करना चाहते हैं, कि कांग्रेस को भी रजिस्टर्ड कर देंगे। एक भाषा होती है, उसी भाषा में हमने भी का इस्तेमाल किया है कि राजनीतिक कब्र जब तक मोदी जी की नहीं खुदेगी, अब दो ही रह सकते हैं, या तो देश स्वस्थ रहे, विकसित रहे, कमनल हाथ पानी रहे, तो मोदी जी की राजनीतिक कब्र खोदना बहुत जरूरी है। वरना महंगाई, बेरोजगारी और व्यापार और जो सामाजिक न्याय की सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, इनकी कब्र खुद जाएगी। तो हमने एक जो राजनीतिक भाषा है उसका इस्तेमाल किया है, राजनीतिक कब्र की बात किया है। अब अपने आप कहें कि कमल खुल रहा, अभी चुनाव रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कब्र जब तक मोदी की नहीं खुदेगी तब तक अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी? ना, हो ही नहीं सकता, तब तक हो ही नहीं सकता, धरातल में जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर अर्थव्यवस्था बड़ी भी हो जाए तो पर कैपिटा इनकम कितना आम आदमी की नीचे आ रही है। आप देखिए, 50% लोगों 50% लोगों के पास 3% का वेल्थ है, 1% आदमी के पास 40% वेल्थ है। ये असमानता इतना कभी हुई है? आपने कहा जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, कौन हिटलर जैसी बात नहीं कर रहा है? एक कहा जाता है, वो भी कहते हैं, सभी दल कहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, एक राजनीतिक भाषा। मैंने वो नहीं कहा, मोदी जी के लिए नहीं कहा, कौन दल नहीं यूज करता तमाम। मैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था, स्टूडेंट के समय से स्लोगन लगाए जाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, तमाम और जगहों पर। इसका मतलब कि थोड़ी कि हिटलर जैसी स्थिति पैदा होगी वो आत्महत्या कर लेगा, एक मुहावरा है, एक राजनीतिक भाषा है। राजनीतिक शब्द हमने किया कि राजनीतिक उनका हटना जरूरी है। अब वो ऐसा करने में वो तो कहे तो ठीक है, पहले तो कोई ऐसी बात नहीं किया। अब कांग्रेस मुक्ति बात उन्होंने कहा, कांग्रेस जो है गंगोत्री है भ्रष्टाचार की, 1000 वर्ड निकाल दो उन्होंने, उसका क्या जवाब है उनके पास में?